हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो क्लाइमेट बहुत ही मस्त है और सब शाम का टाइम है और सबको भूख लगी है, तो मैंने सोचा पाव भाजी बना देते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास जितने वेजिटेबल्स थे वो सब मैंने ले लिया है। जैसे शिमला मिर्ची है, गोभी है, टमाटर है, एक प्याज लिया है, दो टमाटर लिए हैं और मैंने हरी मिर्ची ली है। तो अब ये सारे वेजिटेबल्स को मैं क्या करूँगी, कुकर में डालकर उबाल लूँगी। अब देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा पानी नहीं लिया है, बस इतना ही पानी लिया है कि सारे वेजिटेबल्स उसके अंदर डूब जाए। तो उस हिसाब से मैंने पानी लिया, नमक डाल के, ज़रा सी नमक डालना है, तो डाल के मैंने इसे उबाल लिया है। उबालने के बाद आप देख सकते हो, मैं इसे ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, थोड़े अक्खी अक्खी रखूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाव भाजी एकदम मैश वाली नहीं खाते हैं। तब ये मसाले ध्यान से देखिए, हल्दी है, लाल मिर्ची का पाउडर है, चाट मसाला है और एवरेस्ट का जो पाव भाजी मसाला होता है ना, वो भी आपको लेना है 2 बड़े चम्मच। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने तपेली लिया है, इसके अंदर थोड़ा सी मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और मैंने 3 प्याज को खचखच काट के रखा था। मेरे पास छोटी प्याज थी फ्रेंड्स, तो छोटी प्याज के हिसाब से मैंने लिया है। अगर आपके पास बड़ी प्याज हो तो आप 2 बड़ी प्याज ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये प्याज को बहुत अच्छे से भूना है और देखिए, ये मेरी जो प्याज है ये अभी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मसाले मैंने अदरक लहसुन अभी डाला है और उसके बाद में मैं इसमें जो मसाले मैंने निकाल के रखे, जिसमें पाव भाजी का एवरेस्ट मसाला भी है, चाट मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्ची की बुकी है और गरम मसाला है। फ्रेंड्स, धनिया पाउडर ऑप्शनल है, मैं ज़रूरी नहीं समझती धनिया पाउडर डालना, लेकिन अगर आप लोग डालना है तो आप डाल सकते हो। और मैंने नहीं डाला है, तो मैंने जितने पाउडर्स आपको बताए है उतने ही आपको डालना है। लाल मिर्ची की बुकी, हल्दी और चाट मसाला और गरम मसाला और एवरेस्ट का जो मसाला है पाव भाजी का, वो 3 बड़े चम्मच आप भर के डाल दीजिए। अब सारे मसालों को आप ऊपर नीचे करके ये भाजी इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। तो शाम के वक्त ये जो नाश्ता है ये ज़बरदस्त होता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स कर दिया है। इसे आपको थोड़ा भूनना होगा। तो ये देखिए, ओ वाओ, तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा तंदूरी का कलर डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये जो आप बाहर देखते हो इन लोगों का जो एकदम ऑरेंज कलर का जो पाव भाजी होता है, तो ये लोग कलर डालते हैं और हमारे यहाँ पे थोड़ा कलर बहुत मायने रखता है। जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है खाने का तो लोग उसे और दिल से खाते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से ऊपर नीचे हिला दिया है और अब देखिए जो मेरा रंग रूप है इसका, अपने पाव भाजी का, ये कितना ही ब्यूटीफुल दिख रहा है और कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तो मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और टेस्ट कर लिया है। टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है, एकदम चटपटा बना है, बिल्कुल ही चौपाटी पे जिस तरीके से पाव भाजी मिलती है बिल्कुल वही टेस्ट है इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग भी इसे ट्राई करिए शाम के वक्त, इतना प्यारा मौसम है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, तो आप घर में ये बना के सबको दे सकते हो, सबका दिल खुश हो जाएगा। तो मैंने इसे 2 मिनट ढक्कन ढक के रख दिया था, तो ये ऊपर थोड़ा तेल उसका छूट गया है और बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें 1 बड़ा नींबू स्क्वीज़ करके डालूँगी, बिकॉज हर चीज़ का फ्लेवर खाने में जब होता है तब खाने का टेस्ट अपने आप ही बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मैंने अभी जैसे इसके अंदर 1 नींबू स्क्वीज़ करके डाल दिया है, आप लोग देख रहे हो, बिकॉज़ बिना नींबू के ये जो चटपटी चीज़ें हैं ये मज़ा नहीं देती है। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा टुकड़ा जो है अपने बटर का डाल दूँगी। अब बटर का डालने के बाद में इसका जो टेस्ट है ये और ज़्यादा एनहांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो मैंने लेमन की बीजें जो उसमें गिरी थी उसे साइड से निकाल दिया है और अब देखिए ये मेरा जो पाव भाजी का रूप है, देखिए, आई एम श्योर कि आप लोगों के मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा, बिकॉज़ ये इतनी टेस्टी चीज़ है कि इसको देख के कोई भी रह नहीं सकता है। ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब इस पर बटर मेल्ट होता है, अमेजिंग फ्लेवर आता है पाव भाजी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये धीरे धीरे इसमें बटर मेल्ट हो रहा है और जो मेरा टेक्सचर है पाव भाजी का वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनते जा रहा है। और मैंने इसे टेस्ट किया है बटर डालने के बाद, ओ माय गॉड, ये इतना इतना टेस्टी बन गया है, इतना टेस्टी। अब मुझे पता है मुझे बहुत तारीफ़ मिलने वाली है आज।
मुझे तो कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरे हस्बैंड को रोज़ ऐसी वैरायटी बना के देती हूँ तो वो भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो देखिए अब ये जो है बटर अच्छे से, तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बोलना है कि मैंने वीडियो मेरा निकालने का भूल गई, जब मैंने इसमें वटाने डाले थे, वटाने आपको ऊपर से डालना है, उसे मैश नहीं करना है, सिंपल तरीके से जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाई है। जो चीज़ जितनी सिंपल बनती है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, और मैं आप लोगों को वही रेसिपी बताऊँगी जो टेस्टी लगती है, जो चीज़ नहीं अच्छी बनती मैं वो आप लोग को नहीं बताऊँगी। तो अब ये ट्रिक मैं आप लोग को बता रही हूँ जो पाव भाजी वाले जो स्ट्रीट पे करते हैं, ये लोग के जो तेल में होता है ना पाव भाजी का मसाला, उन लोग थोड़ा डाल देते हैं, और जैसे मैंने भी थोड़ा सी पाव भाजी लेके तेल में डाल दिया है, नॉट तेल एक्चुअली ये घी है, हम लोग ज़्यादा बटर प्रिफर नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा घी में इसको असली घी के अंदर ब्रेड को ये कर देती हूँ। आप लोग को चाहिए तो आप लोग बटर में भी कर सकते हो, मगर पाव पे भी ऐसे मसाला इसका लगना चाहिए, और फिर पाव जो है फ्राई होना चाहिए, तब जाके वो पाव में भी वो बोलते हैं ना वो एक गुडनेस आ जाती है पाव भाजी की, और वो और ज़्यादा अमेजिंग बन जाता है। अब तो श्योर है कि आप लोग के मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा। तो अब देखिए कि ये पाव भाजी का पाव भी रेडी हो गया है। ये खचखच प्याज काट के रखी है, हमारे यहाँ प्याज ऊपर से डाल के खाते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप पाव भाजी को है ना पहले ही ब्रेड में लगा लो, और ये ज़्यादा आसान तरीका है, तो आप लोग ये करो तो ज़्यादा बेटर है। और फिर उसके ऊपर जो घी है वो घी डाल के उसके अंदर इसको अच्छे से पाव भाजी को ऊपर नीचे करके सेक लो, तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना है। और अभी तो आप लोग का बनता है कैसे आप बना के खाओ। तो ये देखिए मेरे पाव भाजी का पाव रेडी हो गया है, और एक जगह जगह मैंने प्याज रखा है, और एक जगह ये देखिए मेरा बटर जो है हल्के हल्का मेल्ट हो रहा है पाव भाजी के ऊपर। और अब हम खाने जा रहे हैं, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एक अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी के साथ। तो आप लोग मेरा वेट करना फ्रेंड्स, थैंक यू।